ओम शांति। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतु करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर ये एक का पदम गुना का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। माना ये ऐसा समय है कि बाप इतना रहम दिल है कि आपकी कड़ी गलती माना ऐसी कड़ी भूल को भी वो माफ कर देते हैं। माना दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना, जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहां उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी माफ कर दो, गलती होगी माफ कर दो, ऐसे नहीं। आपने अगर दिल से महसूस कर लिया ना, आप बदल जाओगे। वो दिल की महसूसता चाहिए, क्योंकि बाप बहुत रहम दिल है इस समय, क्योंकि अभी वो हिसाब किताब नहीं ले रहे हैं, अभी तो वो लुटा रहे हैं सर्व संबंधों से। सुन रहे हो? अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना, जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहां उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। महसूसता की विधि ही माफी है। अगर आपने महसूस कर लिया ना सही तरह से, यही माफी है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से ये माफी मंजूर नहीं होती है। किसी ने आपको कुछ कहा, आपको लगा हाँ चलो मांग लेते माफी, है ना, और समय ऐसा है तो चलो छोड़ो, अभी ये बात छोड़ देते, बाद में देखेंगे, चलो चलो ये अभी बात को क्या पकड़ना, चलो माफी मांग लेते, ये दिल की महसूसता नहीं है। आपको क्या लगता है दिल की महसूसता क्या होती है? जब ये लगता है कि मेरे से भूल हुई है, वो महसूसता इतनी जबरदस्त होती है कि वो भूल कभी भूल से नहीं करता। और अगर कोई ऐसे सोचता है कि कोई किसी को समझाता है, अरे तुमने ये भूल की है, तुम्हें ये अच्छा नहीं कर, तुम्हें बड़ों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे, हाँ ठीक है मांग लेंगे माफी, रियलाइज नहीं किया है तो माफी मिलती नहीं है। माना ये ऐसा समय है कि बाप कंप्लीट रहम दिल है, सर्व संबंधी होने के कारण वो कंप्लीट रहम दिल है। अगर आप सच में दिल से महसूस करके रियलाइज कर लेते हैं तो माफी मिल जाती है। तो कई बच्चे बहुत चतुर होते हैं, क्या होते हैं, चतुर होते हैं, वातावरण देखते हैं, तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो आगे देखेंगे। माना वातावरण के हिसाब से वो महसूस करते हैं कि इस समय दबाव किसका ज्यादा वो है, वातावरण के हिसाब से महसूस करते हैं, अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो बाद में देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, क्या समझते हैं ना, भगवान है वो, भगवान जिसने आपका रखना सब हिसाब किताब। सिर्फ आपने इस समय अगर दिल से महसूस कर लिया तो रहम दिल है, सब कुछ माफ हो जाता है। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते, मुस्कुरा देते हैं, अच्छा ठीक है चल। लेकिन मालूम है कि इसको रियलाइजेशन नहीं हुई है, इसने महसूस नहीं किया है कि बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। देखो, जिसको याद करने से भी कर्म विनाश होते हो और जिसके सामने रियलाइज कर लेने से माफी नहीं होती होगी क्या? पर वो जो रियलाइजेशन होनी चाहिए वो दिल की होनी चाहिए, महसूस तक की होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। जो रियलाइजेशन होती है ना वो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है
कि इसने महसूस किया है कि मैंने ये गलती की है। बाप भी नॉलेजफुल हैं, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की है और सिद्धि पदम कदम, पदम कदम जितनी होगी। अच्छा, ओम शांति।